जे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर काउंट सीवियर मैटी की जय। डॉक्टर काउंट सीवियर मैटी की जय। सारे प्रैक्टिशनर की जय। सारे बोर्ड की जय। सारे मेडिसिन मैन्युफैक्चरर की जय। मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा, नेशनल ट्रेजरर ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फाउंडेशन। मेरा नंबर है 9226270508। दोस्तों, आज का समय नोवल कोरोना वायरस के महामारी से जूझ रही है। इसके लिए मैं आपके सामने सारी चीज़ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसको ध्यान दें। जिस तरह कहा जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन फिर भी हम सबसे ये चीज़ बोल रहे हैं कि अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी से इस बीमारी को निजात पाया जा सकता है। जैसे कि सार्स के बुक्स में लिखा हुआ है कि एक प्रकार का रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि गले और फेफड़े से रिलेटेड, जो कि सांस लेने में तकलीफ होना। अभी कोरोना वायरस पैरामिक्सो वायरस फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसमें पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। जब सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी तो पेशेंट को हार्ट अटैक की नौबत आ सकती है, तो पेशेंट को आसानी से मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इसको ख़तरनाक बीमारी का नाम दिया गया है, जिसको कि कोरोना वायरस। लेकिन फिर भी हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका इलाज है। और लेकिन इसको पहले प्रिवेंसिव करते रहेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक कोरोना वायरस ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जिस तरह हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी जी डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने जो रिसर्च की थी 1865 में इटली में, कि हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है वो ब्लड और लिम्फ को प्योरीफाई करेगी। अगर ब्लड और लिम्फ प्योरीफाई होती है तो बॉडी के हर पार्ट में लिम्फ और ब्लड पहुँचती है, चाहे हार्ट हो या लंग्स हो या किसी भी पार्ट में, तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन इसी के लिए मैं कुछ मेडिसिन बता रहा हूँ, इसी को प्रिवेंशन किया जाए। और मुझे लगता है इस मेडिसिन से कोरोना वायरस भी अगर किसी को पॉजिटिव आया तो हो सकता है कि निगेटिव भी हो जाए, क्योंकि रिसर्च करने की ज़रूरत है। क्योंकि साइंटिस्ट भी हमारे भारत के पूरे विश्व के लगे हुए हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिल पाया है। तो हमें भी कोशिश करना है अपनी मेडिसिन से इस बीमारी को दूर करने में। तो मैं आपको बताता हूँ, इस तरह तो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बना गया, तो मैं कुछ मेडिसिन बताता हूँ उसके बारे में आप लोग ध्यान दें। अभी रेस्पिरेटरी यानी अगर लंग्स से रिलेटेड रखते हैं तो पी ग्रुप की मेडिसिन आती है। पी ग्रुप में अगर P3 का दे दिया जाए तो लेडीज़ बच्चों सभी में चलेगा, क्योंकि P1 भी अटैच हो जाता है, तो P3 को ले सकते हैं। ये लंग्स रिलेटेड। और हार्ट और ब्लड, क्योंकि हार्ट में ब्लॉकेज अगर होने लगे तो सांस लेने में तकलीफ होगी, तो यहाँ पर A3 का रोल है जो कि हार्ट और ब्लड में वर्क करेगा। बाकी फंक्शन को क्रिएट करने में, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में S1 का काम है। अपना इम्यूनल पावर को बढ़ाने में L1 का काम है। अगर गले से रिलेटेड हो तो C13 का काम है। सेल्स कोई पार्ट का रिलेटेड हो तो C1 का काम है। इस तरह अब हमने एक मेडिसिन बताई है, उसको आप लोग यूज़ करें। फिर भी मैं एक फॉर्मूले अपने हिसाब से बताता हूँ, कोशिश करें कि इसको पिलाया जाए तो काफ़ी हद तक लोगों को आराम मिलेगा। 1 लीटर या तो बिसलरी वाटर ले लीजिए या तो डिस्टिल वाटर ले लीजिए, और उसमें S1 जो आपके पास D3 होगा, S1 का 1 ड्रॉप डालिए, C1 का 1 ड्रॉप डालिए, P3 का 1 ड्रॉप डालिए, Wort2 का 2 ड्रॉप डालिए, L1 का 2 ड्रॉप डालिए, A3 का 2 ड्रॉप डालिए, C13 का 2 ड्रॉप डालिए, और P3 का भी 1 ड्रॉप डालिए, A3 का 2 ड्रॉप डालिए, और F1, क्योंकि फीवर भी इसमें आ रहे हैं, तो F1 का ओनली 1 ड्रॉप,
अब डब्ल्यू ई वाट इलेक्ट्रिसिटी 2 से 5 ड्रॉप डालिए, इसको मिक्स करके 1 लीटर में जो आपके पास D3 उसमें से मिक्स करिए और कम से कम 500 स्ट्रोक मारिए ताकि मेडिसिन काफ़ी मिक्स हो जाए। अब मिक्स होने के बाद में उसको 5-5 ड्रॉप पेशेंट को पिलाए ताकि 15 दिन का डोज हो जाएगा, ताकि 15 दिन का डोज हो जाएगा तो काफ़ी आसान तरीके से सक्षम होगा। और इस बीमारी नोवल कोरोना वायरस पर मजबूती से पाया जाएगा, इम्यूनल स्ट्रॉन्ग होगा तो बीमारी ऑटोमेटिक भाग जाएगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मजबूत होगा। जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सारे डॉक्टर इस चीज़ को यूज़ करें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।